और ये एम्बुलेंस लगी हुई है, पूरा फोन से कंट्रोल है। इस गाड़ी की वेट आप सभी को नहीं, मुझे भी थी। शानदार गाड़ी, छोटा गाड़ी, तो मैं आगे से शुरू करूंगा, लेफ्ट दिखाऊंगा, राइट दिखाऊंगा और गाड़ी का पीछे का दिखाऊंगा। तो आगे शुरू करते हैं कि गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है। रैंगलर वाला ग्रिल लगा हुआ है, रैंगलर वाला बम्पर लगा हुआ है पूरा, और ये HID प्रोजेक्टर लैंप्स के साथ, और ये नीचे भी प्रोजेक्टर डले हुए हैं। इसमें क्या है, तीन मोड है, तीन तरीके की लाइट जलती है, फॉग वाली येलो, एक वाइट है और एक दूसरे तरह की वाइट है, वो आपको जला के दिखाएंगे अभी। और ये सब चेंज है इसके, ये वाली लाइटें चेंज है। आगे तो पूरी रैंगलर दिख रही है भाई। सबसे बढ़िया बात गाड़ी की, 22 इंची अलॉय लगे हुए हैं, ओरिजिनल फ्यूल काउंटर लगे हुए हैं, नीचे ये लगी हुई प्लेट। ये लोग ज़्यादातर रेड लगवाते हैं, लेकिन गाड़ी पूरी ब्लैक रखी गई है, तो ये नज़र के लिए होता है लगा रखा है भाई। ऐसी गाड़ी में नज़र चलती लग जाती है। क्या शानदार मेरे, देख लो टायर कहाँ तक आ रहे हैं। ये फ्यूल काउंटर लगे हुए हैं ओरिजिनल 22 इंची, ज़्यादातर थारों में 20 इंची लगे देखे होंगे आपने। कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा होगा, जितनी तोड़ो गाड़ी सामने से दिख रही है। लाइट लुक देख लो कितनी चौड़ी दिख रही है, शीशे जैसे काले कराना तो बहुत ज़रूरी है भाई ऐसी गाड़ियों में, नहीं तो प्राइवेसी भंग हो जाती है। और गाड़ी की प्रोफाइल मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में ज़रूर। आ चुके गाड़ी के एकदम बैक में, कैमरा फोकस ही नहीं कर पा रहा होगा जो मैं अपनी आँखों के सामने देख पा रहा हूँ भाई। 22 इंची तोड़ू लग रहे हैं। पहले मेरे को लगता था फ्यूल काउंटर इतने खास नहीं लगते होंगे, मेरे को जो अंदर वाले जो अंदर की तरफ होते हैं वो बढ़िया लगते हैं, लेकिन भाई सामने से देख के ना रिएक्शन, मतलब जहाँ निकल जाओ ना भाई साहब, ऐसा लगता है कहीं से झूठ आ रहा है, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं भाई। एलॉय तो आपको दिखाई दिया, दो चार बार बता दिया जो इसमें मेन चीज़ है। इसमें ये लाइटें चेंज की हुई है, ये आपको मैं जला के दिखाता हूँ अभी। पीछे की ये चेंज की हुई है, रिफ्लेक्टर चेंज किए हुए, ये रिफ्लेक्टर इंडिकेटर पे भी काम करते हैं, और ये लगे हुए स्टार्ट होने पे इसमें ऐसे चलते हैं, कोई भी मान लो यार एस वाई जेड जो भी, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है पैटर्न। और रिफ्लेक्टर जो लगे हुए हैं वो इंडिकेटर के साथ ब्लिंक करते हैं। सबसे बड़ा गाड़ी का जो माइनस पॉइंट है एलॉय लगाने का, वो देख सकते हो। ये गाड़ी दिल्ली में चली है ऐसी प्लेन सड़कों पे, और देख लो अभी भी कितनी छींटे आ चुकी हैं, साफ भी करा के लाए, लेकिन फिर से हो चुका है इसमें मिट्टी। और देख लो ये देख, एलॉय इतने चौड़े हैं कि डर रहता है कहीं लग ना जाए। और देखो ये अभी डलवाए अभी है ना, और ये लग भी गए यहाँ से। अब आपको इंटीरियर दिखाता हूँ गाड़ी का, और फिर आगे की लाइट दिखाऊंगा, पीछे की लाइट दिखाऊंगा। भाई गाड़ी की आ चुकी है मेरे पास, आपको इंटीरियर दिखाता हूँ, इंटीरियर में क्या क्या काम हुआ है। बेसिक काम हुआ है, ऐसे कोई ज़्यादा चटपटा काम नहीं, गाड़ी बहुत ही डिसेंटली मॉडिफाइड की है। अब देख लो, तो भाई गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, और ये पूरी एम्बियंस लगी हुई है गाड़ी में, मर्सिडीज़ वाले लगे हुए हैं एसी वेंट्स, सारे के सारे मर्सिडीज़ वाले एसी वेंट्स हैं। और ये एम्बियंस लगी हुई है, पूरा फ़ोन से कंट्रोल है, ये देख सकते हो आप, जैसे ये रेड हो गई, ये देखो पूरे डोर में लगी हुई है, इस तरफ लगी हुई है, सारी तरफ है, ब्लू या जौन सा भी कलर डालना है वो आप इससे डाल सकते हो। और जो दूसरी ऐप है ये एसी वेंट्स की, और ऊपर वाली ये की, ये ऊपर भी दिखा दो एक बार, ये ऊपर जो है ये भी कंट्रोल यहीं से फ़ोन से है, ये ऊपर भी लगे हुए हैं। और अगर इसमें आ जाते हैं, हम इसमें आ जाते हैं एसी वेंट्स में, तो एसी वेंट्स का कलर यहाँ से बदला जा सकता है, इसकी दूसरी ऐप है अलग, रेड जो सा भी कलर करना है वो यहाँ से हो जाएगा। तो ये वाला काम अंदर से हुआ है, आर्मरेस्ट लगा हुआ है ये गाड़ी में, और ये आर्मरेस्ट लगा हुआ है। और अब मैं आपको आगे से लाइटें दिखाता हूँ और पीछे लगी हुई है गाड़ी में, लेट्स गो बाहर चलते हैं। गाड़ी बिल्कुल मस्त लाइटें लगी हुई है, ये फॉग वाली लगी हुई है, इसमें तीन मोड है, आपको दिखाता हूँ, ये पहला पैटर्न, ये दूसरा पैटर्न है, और ये तीसरा पैटर्न है गाड़ी का। और ये प्रोजेक्टर पास मारना, प्रोजेक्टर लगे हुए हैं गाड़ी में, पीपीएफ भी हो रखी है जो कि अभी करा के लाया भैया, और ये पूरी गाड़ी पीपीएफ डन है, अभी थोड़ी मिट्टी चल रही है, देखो ये साफ हो गई, तो बिल्कुल पीपीएफ हो रखी है पूरी गाड़ी पे। हो भाई गाड़ी लग रही है बहुत ही शानदार, अब थोड़े बहुत रिएक्शन देख लो, हम चलते इधर ही राउंड मारने, और आप रिएक्शन भी देख लेना, रिएक्शन देख लो क्या खड़े खड़े में रिएक्शन आ रहे हैं, दो चार रील शूट करते हैं रिएक्शन भी देख लो भाई कैसी लग रही है गाड़ी। भाई बस तो लग रही है भाई, एकदम ओके रिपोर्ट लग रही है भाई। कमेंट कर दो गाड़ी कैसी लग रही है, और लाइक कैसे लग रहे हैं।
तो गाड़ी में जो खर्चा हुआ है वो 6 लाख के करीब का खर्चा हुआ है, मतलब अप्रॉक्स 6 लाख लग गए हैं अभी तक गाड़ी में, इंटीरियर एक्सटीरियर सब लगा के, अलॉय इतने महंगे हैं। तो ओके गाइस, आपको पूरी गाड़ी का रिव्यू दे दिया है, क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई है, खर्चा भी आपको बता दिया है, और होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे थार वाले दोस्तों में शेयर कर देना जो भी मॉडिफिकेशन पसंद करते हैं। मिलते हैं आपको ऐसे बड़े ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। नाई दे इनकी गाड़ी है, उनका इंस्टाग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ और बायो में भी डाल दूँगा। बाय।